नमस्ते, ये वैदिक मैथमेटिक्स की क्लास 13 है। आज हम एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र की एप्लीकेशन देखेंगे। हम लोग ने एक बार पहला इस सूत्र की इस्तेमाल किया है जब क्लास 3 में मैं एकाधिक की एक्सप्लेन कर रहा था। आज हम लोग ये एकाधिकेन पूर्वेण की एप्लीकेशंस देखेंगे स्क्वायरिंग नंबर्स में और मल्टीप्लिकेशन में। ये स्क्वायरिंग है। हम ये मेथड सिर्फ चलता है जिसमें नंबर जिसका आखिरी डिजिट 5 है, मतलब 25 में 5 आखिरी डिजिट है और 95 में भी 5 ही आखिरी डिजिट है। ये 25 स्क्वायर है, 25 टाइम्स 25। ये करने के लिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे एक लाइन लिख दो और ये साइड पे 25 लिखो और दूसरे साइड पे ये 2 यहाँ पे लिखो। ये 2 की एक नंबर ज़्यादा क्या है ऐसे सोचो। 2 से एक नंबर ज़्यादा 3 है, इसलिए यहाँ पे 3 लिख दो और उसके बीच मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये साइड पे 6 आ जाता है और यहाँ पे 25, मतलब हमारा आंसर है 625। एकाधिकेन पूर्वेण का मीनिंग है कि पहले नंबर से एक नंबर ज़्यादा को मल्टीप्लाई कर दो, इसलिए हम लोग ने 2 को एक नंबर ज़्यादा किया है और उसको मल्टीप्लाई किया है। 3 2 से एक नंबर ज़्यादा है और 2 और 3 6। 95 स्क्वायर में भी सेम ही सिचुएशन है। ये है 95 टाइम्स 95, ऐसे करो और ये साइड पे 25 लिख दो। ये साइड पे यहाँ 9 आ जाता है क्योंकि ये दोनों स्टार्टिंग नंबर 9 है। उसके बाद ये 9 को एक नंबर ऐड कर दो और वो 10 है, इसलिए यहाँ पे ऐसे कर दो। 9 times 9 10 are 90, इसलिए यहाँ पे 90 आ जाता है और ये 25 को यहाँ पे लग दो, इसलिए ये आंसर है 9025। ये एक्चुअली फ्रैक्शन में भी चलता है। ये 3.5 है 3.5 स्क्वायर, मतलब 3.5 स्क्वायर। इसमें डेसिमल पॉइंट है लेकिन हमारा आखिरी डिजिट फिर भी 5 है, इसलिए हम लोग ये मेथड की इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे 25 लिख दो, यहाँ पे 3 times 4 क्योंकि ये दोनों का पहले डिजिट 3 है। 3 4s are 12 और यहाँ पे 25 लिख दो, लेकिन हमारा आंसर 1225 नहीं है क्योंकि ये 3.5 है, 35 नहीं, इसलिए यहाँ पे पॉइंट लगा दो और हमारा आंसर है 12.25। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ ये पॉइंट को लगाना पड़ता है। अब आप ये प्रॉब्लम देखिए। ये है 105 स्क्वायर, मतलब 105 times 105। यहाँ पे भी लास्ट डिजिट 5 है लेकिन ये 3 डिजिट का नंबर है। यदि 3 डिजिट का नंबर है तो पहले 2 डिजिट को सेम होना चाहिए, इसलिए ये 10 और ये 10 सेम है, मतलब हम लोग एक आधिकेन पूर्वेण की इस्तेमाल कर सकते हैं। इस साइड पे ऐसे कर दो क्योंकि 11 10 से एक नंबर ज़्यादा है। यहाँ पे लाइन लिख दो जैसे मैंने कहा था और यहाँ पे 25 है। 10 11s are
110 और यहाँ पे 25 लगा दो, इसलिए हमारा आंसर है 11025। अब आप प्लीज़ ये रिविजन्स प्रॉब्लम कीजिए। अब मैं आंसर्स बताता हूँ। ये 35 स्क्वायर है, मैंने पहला 3.5 स्क्वायर किया था और अब ये 35 स्क्वायर है। सेम प्रॉब्लम है लेकिन पॉइंट नहीं है। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। ये है 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, ये है 23 times 27। ये करने के लिए मेथड बहुत इजी है। यहाँ पे लाइन लिख दो और ये लास्ट, ये इसमें एक रिक्वायरमेंट है, मगर ये पहले डिजिट को सेम होना चाहिए, ये 2 और ये 2। उसके बाद ये दोनों को एडिशन करके 10 आना चाहिए। इस सिचुएशन में 3 + 7 है 10। ये प्रॉब्लम में ये दोनों रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई हो गया है, इसलिए हम लोग प्रॉब्लम कर सकते हैं एक आदि के न पूर्व न के साथ। ये है 3, ये इस साइड पे 3 × 7 करो, मतलब 3 × 7 = 21, इसलिए यहाँ पे 21 लिखो। और ये पहले डिजिट के साथ एकाधिकेन पूर्वेण कीजिए, इसलिए ये है 2 × 3। हमारा आंसर है 621। मैंने 2 × 3 = 6 किया है और यहाँ ये इस साइड पे 21, क्योंकि 7 × 3 = 21। अब ये प्रॉब्लम, इसमें भी सेम ही सिचुएशन है। यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 8 है, ये दोनों सेम ही डिजिट है। उसके बाद आप दूसरा डिजिट को देखिए, ये है 2 + 8 = 10, इसलिए हम लोग एकाधिकेन पूर्वेण के इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे लाइन लिखो, यहाँ पर ऐसे हो जाता है और यहाँ पे ऐसे। अब ये दो बहुत सिंपल मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम हो गया है। 8 × 9 = 72 और 8 × 2 = 16, ये हमारा आंसर है।
इस प्रॉब्लम में हमारे पास दो फाइव है पहले डिजिट्स में, और ये 1 + 9 है, मतलब 10। इसलिए हम लोग एकाधिकेना पूर्वेना की इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे है 5 और 6, यहाँ पे लाइन लिख दो और ये ऐसा है। आप प्लीज़ याद कीजिए कि यहाँ पे 0 होना चाहिए, क्योंकि हमारा आंसर को 4 डिजिट होना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे 0 रखता है। 1 × 9 है 09, 9909। यदि आप लोगों 0 को भूल जाता था तो फिर 309 हो जाता, और वो बराबर आंसर नहीं है। मैं बस आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने जिस स्क्वेयरिंग मेथड पहले बताता था वो भी यही मेथड है। आप ये देखो, ये 25 स्क्वायर जिसे मैंने पहला किया था, और ये ऐसा। यदि आप लोगों को ये इसको देखो तो पता चलेगा कि यहाँ पे पहले डिजिट में 2 है, और इसके बाद अगर ऐसे करो तो 5 + 5 है 10। इसलिए हम लोग एकाधिकेना पूर्वेना की इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम लोग आंसर 625 निकाल सकते हैं। अब ये रिविजन्स प्रॉब्लम कीजिए। अब मैं आंसर्स बताता हूँ। हम लोग ने पहले सिर्फ 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन देखा था, अब हम लोग 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। ये प्रॉब्लम है 221 × 229। इस सिचुएशन में हम लोग के पास यहाँ पे 2 डिजिट है जिस सेम है, और यहाँ पे भी 2 डिजिट है, ये 22 और ये 22, और यहाँ पे है 1 + 9 और वो 10 है। इसलिए हम लोग एकाधिकेना पूर्वेना की इस्तेमाल कर सकते हैं। ये साइड में 22 × 23 और यहाँ पे ऐसे। कि 22 × 23 करने के लिए हम लोग दूसरा सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज, जिसने मैंने आप लोगों को पहले बताया।
ये है सिक्स, ये है सिक्स और ये है फोर, इसलिए यहाँ पे ज़ीरो आ जाता है और ये नीचे वन, और ये भी फोर है लेकिन ये वन नीचे है, इसलिए ये आंसर 506 हो जाता है। यहाँ पे 506 रखो और यहाँ पे 09 आ जाता है और ये हमारा आंसर है 50609। इसमें भी सेम ही है, ये 24 है और ये 24 है, मतलब पहले दो डिजिट सेम है, उसके बाद अगर आप 3+7 करो तो 10 निकलता है, इसलिए हम लोग एकादिकेना पूर्वेना की इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग एक सूत्र की इस्तेमाल कर सकते हैं, यह है 24 times 25। यदि आप 25 को डबल कीजिए और 24 को हाफ कीजिए डबलिंग और हाफिंग की सूत्र के साथ, तो आपका प्रॉब्लम 12 × 50 हो जाता है। ये बहुत इजी है, सिर्फ 600 है, मैंने 12 × 5 किया और उसके बाद 0 रखा है, इसलिए हम लोग को पता है कि 24 और 25 है 600, हमारा आंसर है 60021। और ये लास्ट, अब ये है 803 और 807। इस प्रॉब्लम में 80 है बेस सिचुएशन में, मैं बस ये ऊपर का रब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा और जगह चाहिए। और यहाँ पे 3+7 है और ये 10 है। पहले आप 81 और 80 की मल्टीप्लिकेशन कीजिए, सॉरी मैंने यहाँ पे, और इस साइड पे 21 लगा दो क्योंकि हम लोग ने 3 और 7 की मल्टीप्लिकेशन किया है। ये भी बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, इस साइड पे 6480 आ जाता है और यहाँ पे 21 रख दो, इसलिए ये हमारा आंसर है। अब आप ये रिविजन्स कीजिए। अब मैं आंसर्स बताता हूँ।
थैंक यू, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।